पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल होने वाले पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 54 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये बात सच नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई भी राजनीतिक हत्या नहीं हुई। ममता बनर्जी ने लिखा कि इन हत्याओं की वजह आपसी रंजिश, पारिवारिक झगड़े और दूसरे विवाद हो सकते हैं। ममता का कहना है कि इन हत्याओं का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ममता ने कहा कि इसने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा न बनने के लिए मजबूर किया। ममता ने लिखा कि ये शपथ ग्रहण समारोह लोकतंत्र का जश्न मनाने का मौका है, ऐसे में इस मौके को किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक अंक स्कोर करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बंगाल हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवारों को भी न्योता भेजा है। तो आपको बता दें, ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी। जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली थी बंगाल में, उसके बाद ये आरोप लगे थे कि राजनीतिक परिवेश में ये हत्याएं की गई हैं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर खासकर ये आरोप लगे थे। ममता बनर्जी पर भी आरोप लगे थे और अब ममता बनर्जी ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी। जिस तरीके के आरोप यहां पर लगाए गए, उन्होंने कहा ये हत्याएं पारिवारिक वजह से हुई, राजनीतिक वजह से नहीं, और इसी के चलते उन्हें मजबूर कर दिया है यहाँ पर सरकार ने और वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी। तकरीबन 54 लोगों की मौत हुई थी और इसे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बताया गया था। राजनीतिक हिंसा के चलते बीजेपी ने कहा था इन लोगों की मौत हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, लेकिन ममता बनर्जी अब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल इसी वजह से नहीं होंगी। उन्होंने कहा है मोदी जी ने मुझे मजबूर किया कि मैं ना आऊं और इसीलिए अब शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी नजर नहीं आएंगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।